तो दोस्तों, जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं क्रेडल कैप की। जी हाँ, पहले इसके पूरे सर में बहुत ज्यादा थी, अब सर में नहीं है। अब जो फोकस है ये एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो गया है, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर चोटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका इलाज हम आपको बताएंगे कि ये कैसे सही होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं वो है क्रेडल कैप की। ठीक है, आपने पीछे वीडियो देखा, उसमें क्रेडल कैप देखा होगा आपने, किस प्रकार बिगड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये जो सल्फेट का ये पाउडर होता है इसको डालने का प्रयास किया, परंतु ये इसका दिक्कत क्या है, ये टिकता नहीं है। और फिर बच्चे सर के बल लेटे रहते हैं तो फिर वो झड़ता रहता है, ये अपना काम नहीं कर पाता है। ठीक है, जो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगस का जो इसका काम है वो नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद मैं लेके आया दोस्तों, ठीक है, क्लोबीटा, ये है GM है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी कारगर दवाई है, उससे काफी फर्क पड़ा। ठीक है, और ये क्या है, निकलता नहीं है, ये चिपका रहता है सर से और एकदम ठीक कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, काफी इम्प्रूवमेंट आया है, ये सुखा दिया है इसने जो घाव था, ये देख सकते हैं आप। और अब मैं इसमें अप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके अगर ऐसी प्रॉब्लम है, ज्यादा है, ठीक है, तो आपको क्लोबीटा GM लेके आइए और उसको अप्लाई करिए और देखना, बहुत जल्दी असर दिखेगा। और अगर किसी क्रेडल कैप हल्का फुल्का है तो वो नारियल तेल लगाइए। ठीक है, और उसके बाद एक दो घंटे बाद शैम्पू से नहलाइए बच्चों को, और जो बच्चों की कॉम होती है ना उससे करिए, वो अपने आप सही हो जाएगा, अपना आप निकल जाएगा। अगर हल्का है क्रेडल कैप, अगर जैसे घना है, घाव बना हुआ है, फिर दोबारा दोबारा उसमें जम रहा है, तो आपको यही लेना है क्लोबीटा GM। ओके, तो दोस्तों इसका क्रेडल कैप देख सकते हैं, अब पूरी तरह ठीक हो चुका है, देखिए। ठीक है, तो जो मैंने बताया है वो करिए, आपको जरूर लाभ होगा।